नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का एक हॉट पैन कोस्टर बनाना बताऊंगी। इसे हम कहीं इसे हम किसी भी तरह से कितना भी छोटा या बड़ा किसी भी साइज़ का अपनी इच्छा से बना सकते हैं। ये एक पैन कोस्टर है और इसको बनाने के लिए हमें दो रंगों की ज़रूरत होगी। जैसे मैंने ये दो गोले लिए, इसमें पहले हम ऐसे धागा अपने हाथ पे ऐसे करेंगे और फिर हमने ये क्रॉस बनाना है। इस तरह से क्रॉस बनाने के बाद दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः हमने इसमें चेन लिए और इसको पहले वाले चेन से मिला के इस तरह से और इसका सर्कल बनाएंगे ऐसे। अब हमने एक चेन ले लेनी है इस तरह से और अब हमने इसको एक ऐसे बल लेके इसमें आठ ये चावल डाल लें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये हमारे आठ। इस तरह से इसको इधर कर देंगे हम। अब हमने ये दूसरा रंग इसी सर्कल में लगाना है। इसके लिए हमने इसको निकाल के ऐसे इधर पीछे कर देना और ये अब दूसरा रंग लगेगा इसमें। दूसरा रंग हम कोई भी अपनी इच्छा से कैसे भी कॉम्बिनेशन में ला के ले सकते हैं। जैसे मैंने इसमें अब इसको जोड़ने के लिए देखिए ऐसे इसमें जोड़ लेना है। ये पीछे वाले को हमने पकड़ के अब इसके साथ ही इसके बुनेंगे। ये भी हमने आठ लेने हैं इसमें। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये सात। अब देखिए इस तरह से लेने के बाद सात, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और एक आठ। ये भी हमने आठ लेनी है और ये भी हमने आठ लेनी है, सोलह लेनी है। इस तरह से अब हम इसको इसमें जोड़ेंगे, इसी कलर से जोड़ें। चाहे यहाँ से शुरू करेंगे तो हम ये इधर को ऐसे घूमेंगे, इधर से शुरू करेंगे तो ये हमारा एक इसका सर्कल पूरा हुआ है। अब ये हमारा दूसरा सर्कल, दूसरी लाइन है। अब इसके लिए हमने ये ऐसे दो डबल ले लेने और इसके अंदर से यहाँ नीचे जो हमने पहले ले रखा था उसी में से हमने निकालना है इसमें। एक, दो और ये एक। इस तरह से ये हमारा बस ये एक ही बार करना है। उसके बाद हमने ऐसे ही यहाँ से ऊपर से ले लेना है एक बल डाल के। देखिए ये अब आठ हैं तो इसमें हमने हर बारे में बढ़ाते जाने हैं। दो कर लेंगे अब इसको हम एक में से और आगे इसमें से एक एक छोड़ के जो इससे अगला है उसमें हमने दो बढ़ा लेने। अब ये जो इससे अगला है उसको ऐसे ही बुन लेना और इससे अगला है जो उसको हमने इस तरह से
बुनते हुए जाना है। इसमें से हम दो लेंगे, इसमें हमने एक लिया तो इसमें हमने दो लेने चावल एक। अब ये इसमें से हम एक ही लेंगे और इससे आगे हमने दो लेने, एक और एक ही दो। अब इसको हमने छोड़ देना। हम चाहें तो यहाँ पे हम अपनी पहचान के लिए बक्सुआ लगा सकते हैं कि ये हमारी दूसरी रो यहाँ से शुरू हुई थी, ये अभी हमें हमारी पहली ही दूसरी रो है। पहली तो जिसमें हमने राउंड करके सर्कल में आठ इसके और आठ इसके अलग अलग डाले थे, पहली रो वो थी, और दूसरी ये जो यहाँ से मैंने डबल करके डाले और वो दूसरी हो गई। अब ये हमारी तीसरी रो है ना, ये तो दूसरी ही है। इसको ऐसे करके और इसको भी हमने इसी तरह से एक बारी जोड़ने के लिए दो लेने हैं कि हम ये नीचे से जोड़ रहे हैं इसको। दो एक और ये हमारा इस तरह से, ये ऐसे जुड़ेगा, देखिए इस तरह से जुड़ता हुआ। अब हमने फिर से वैसे ही इसमें से दो बुनेंगे हम, एक दो और ये एक और इसमें से दो, इसमें से एक अगले में से, इससे अगले में से दो, एक और एक ही दो, ये एक और ये दो, ये एक दो, इस तरह से बुनते हुए हमने इसको यहां तक लेके आना है। ये हमने हर बारी में हर सर्कल में हर उसके साथ हमने ये जो चावल है इनको बढ़ाते जाना है। जैसे एक में से दो कर लिया, एक और एक की दो, ये एक ये दो, इसको हमने लंबा कर लेना है। और अब हमने ये दूसरे वाले को लेना है, देखिए ये यहाँ से एक, ये देखिए ये बन रहा है हमारा है। जैसे ये बना हुआ है वैसे ये सेम इसकी तरह शेप ले रहा है, ये देखिए।
ये देखिए, ये जब पूरा बनेगा तो ये इस तरह से तैयार होगा। हम इसे इतने ही साइज़ में भी बना सकते हैं, ये इस तरह से इतने साइज़ में, या फिर इससे बड़ा हम इस तरह से भी बना सकते हैं इसको। इसको बंद करने के लिए, ये जैसे हमने हमारे दोनों धागे अभी खुले हुए हैं, इसके लिए इसको पूरा करने पे भी जितना हमने रखना है उतना रखने के बाद इसको इस तरह से, जैसे ये लिया हुआ है ये देखिए, इसको हमने इस तरह से एक और ये दो और ये तीन इस तरह से लेके, और ये यहाँ से ऐसे ख़त्म कर देने इस धागे को। और ये जो दूसरा धागा है इसको हमने यहाँ से, ये देखिए, इसको हमने अब ऐसे करना है, एक दो, और ये जो तीसरा है इसमें से हम वैसे ही जैसे हमने यहाँ से इसकी शुरुआत की थी वैसे ही दो बल लेने हैं यहाँ से, और इसको हमने यहाँ से ऐसे अंदर से इसी में से ये ऐसे एक दो और तीन, और फिर हमने बिना बल के यहाँ से इसको इस तरह से ख़त्म कर देना है। इस तरह से ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे धागे, और यहाँ से हम इस तरह से इस पे, जैसे मैंने इस पे भी किंगरी की हुई है और इस पे भी इस तरह से किंगरी की हुई है, इस तरह से किंगरी करके इसको ख़त्म कर देंगे और ये पूरा बन जाएगा। ये देखिए ऐसे। उम्मीद है आज आपको ये हॉट पॉट कोस्टर बनाने पसंद आएंगे। यदि आपको अच्छे लगे और आसान लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।